नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया और जनाज में आपका स्वागत है। दावे आपत्ति की बैठक में मास्टर प्लान को लेकर उलझे मंत्री मोहन यादव व विधायक पारस जैन, वीडियो आया सामने। विकास योजना 2035 के संबंध में आज जिला स्तरीय समिति द्वारा आपत्तियों एवं सुझाव की सुनवाई बृहस्पति भवन में की गई, जो मंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पारस जैन सहित जनप्रतिनिधि, टीएससीपी के अधिकारी, उज्जैन कलेक्टर, निगम आयुक्त सहित आला अधिकारी शामिल थे। लेकिन बैठक के दौरान पूर्व मंत्री व तत्कालीन उत्तर से विधायक पारस जैन और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। दोनों बैठक के बीच एक दूसरे को चुप कराने लगे। इस बीच पारस जैन ने झल्ला कर एक तक कह दिया कि बाद में जनता को जवाब भी देना है, मेरी बात तो पूरी हो जाने दो, मैं आपके बीच बिल्कुल नहीं बोला हूँ। जो मास्टर प्लान का प्राथमिक प्रकाशन हुआ है, उस प्राथमिक प्रकाशन पे विभिन्न प्रकार की अलग अलग सुझाव, संशोधन, आपत्तियां, इनकी सुनवाई का दिन था। लगभग 450 से ज्यादा प्रकार के अलग अलग आवेदन के जो लोगों को सुझाव आए, उसमें से 250 तो सुझाव सिंह क्षेत्र से मुक्त करने का है कि हमको सिंह क्षेत्र से मुक्त कर दो। लगभग 200 के आसपास सुझाव में से लगभग 120 प्रकार के सुझाव मार्गों के चौड़ीकरण से संबंधित आए कि मार्गों का चौड़ीकरण करना चाहिए। लगभग 90 सुझाव हमारे FAR बढ़ाने का है कि हमारा जो FAR है शहरी क्षेत्र का, वो FAR बढ़ना चाहिए। बाकी कुछ सुझाव सिंह क्षेत्र को बढ़ाने के, कुछ सिंह क्षेत्र को कम करने के, तो सभी सुनवाई आज हमने संपन्न की है। और इससे संबंधित जो हमारी कमेटी है, उसकी आज दूसरी बैठक है। जो नियम है उसके हिसाब से पुनः एक बार इसका निराकरण करते हुए जब जैसा शासन को लगेगा, शासन के पास हम पूरा पहुँचाएंगे। कितनी आपत्ति आई इसमें? मैंने बताया 450 से आपत्ति आई थी। 450 आपत्ति में से 250 आपत्ति सिंह क्षेत्र से मुक्त करने के आई कि हमारी सिंह क्षेत्र से जमीन को मुक्त कर दो। 90% आपत्ति आई जिनने कहा कि हमारे मार्गों का चौड़ीकरण होना चाहिए, क्या अलग अलग प्रकार के, कोई नहीं FAR बढ़ाने की आई है। आज कलेक्टर ने टाउन कंट्री प्लानिंग की और इसकी बैठक बुलाई थी। जिन लोगों ने आपत्ति की है सिंह में, कोई रकबे बाहर कराना चाहता, कोई उसको लेकर पूरी आपत्तियां हमने सुनी है। यह भी आया है कि मंगलनाथ से लगाकर त्रिवेणी तक ही सिंहस्थ भरता है, वो सिंहस्थ हमारी प्राथमिकता है। वो सिंहस्थ एक उज्जैन की पहचान है, जो हमेशा विकास का काम होता है सिंहस्थ के नाम पर ही। सब आज जो देखा, मुझे ऐसा लगा है कि त्रिवेणी से लगाकर मंगलनाथ तक जो नदी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को आवासीय नहीं करना चाहिए, ये सबका मत है। PSP करना चाहिए। PSP में मतलब ये होता है कि यदि कोई वहाँ आदमी ऐसा बताए, लेकिन वो भी 200 मीटर दूरी पर, कि जिससे कम से कम कि कोई भी गंदा पानी शिप्रा में ना जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये लोगों का मत है, मेरा भी मत ये है कि जो हो सके तो पूरी तरह से मंगलनाथ से लगाकर आपके त्रिवेणी तक कोई भी आवासीय नहीं करना चाहिए। किसी को यदि कॉलोनी बनाना है तो वो कहीं भी बना